नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। मेराल से अमरेश उराव की रिपोर्ट। ओखरगढ़ा टोला चटनिया JSLPS झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ग्राम संगठन का कार्यक्रम कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक CCIPRP FTC के द्वारा आजीविका कार्यक्रम संबंधित जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि ग्राम संगठन गांव की दीदी आर्थिक रूप से स्वलाम बनाने की काम कर रही है। इसमें समय समय पर छोटे ऋण देकर उनकी आवश्यकताओं एवं साथ आने वाले समय इसकी भूमिका के रूप में कार्य किया जाएगा। इस मौके पर उपस्थित मुखिया शोभा देवी, DDC रेणु देवी, PRP दीदी प्रभा देवी, सपना देवी, सक्रिय दीदी राजपति देवी, उषा देवी, VO ममता देवी, सुषमा देवी, मंजू टोपो एवं समस्त ग्रामीण भी उपस्थित थे। हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी कार्यक्रम संपन्न हो जाए, क्योंकि आजकल का जो समय है एक किसान परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। आजकल समय किसी को निकालना बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग जो है एक गरीब किसान से हैं और खेती बाड़ी पर ही आश्रित है, और आजकल का दिन का जो समय है वो अपने आप को उसे महसूस कर रहे हैं। लोगों के द्वारा पूजा कार्यक्रम संपन्न होगा, इसके बाद प्रसाद वगैरह का भी वितरण होगा। तब तक हम लोग सोच रहे हैं कि ये गीत वगैरह भी करेंगे, ज्यादा समय नहीं देना चाहेंगे। सबको भी एक दूसरे जगह जाना है, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोगों के बीच में आए हैं, और हम लोग जो भी गीत संगीत वगैरह करते हैं तो उसमें लेते हैं, उसे सीख लेते हैं और अपने जीवन में इसको उतारने का काम करते हैं। हमारे सर के द्वारा भी या भाषण में निर्देश दे दिया गया था कि अगर जीवन में हमें कुछ करना है तो आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, संघर्ष करते रहना पड़ेगा, और लक्ष्य अपना जो मंजिल पाने का है उसे ऊंचा रखना पड़ेगा, तभी हम आने वाले समय में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप लोग तो शुरू से ही उस चीज को पाने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मुश्किल से उस मंजिल को जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, चलने पाता बैठा पीछे रहता है, चलने वाला मंजिल वाला है, हरा पानी सड़ने लगता बता नहीं। धन्यवाद।